नमा यूरीदुल्लारा खुदाद आलम कायनात का खालिफ मालिक अपनी अजीम तरीन किताब पुरान मजीद में इशाद फरमाता है कि अहले बैत अल्लाह ने यह इरादा कर लिया कि आपसे हर तरह के रिश् को दूर रखे आपसे हर तरह की बुराइयों को दूर रखे और आपको पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक़ हाँ है अजीज़ा गिरामी सिलसिले कलाम जहन आली में होगा हमारे और आपके दरमियान जो मौजूँ या गुफ्तु है वो अहले बैत हैं और चौदह सौ बरस से हम अहलेत को मानते चले आ रहे हैं अहल बैत को मानने के बाद हमको कोई निदामत कोई शर्मिंदगी कोई परेशानी कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर बुलंद था बुलंद है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक बुलंद रहेगा इसलिए कि हमने जिन हस्तियों को माना वो हस्तियाँ पाक हैं हमने जिन बुज़ुर्गों को माना वो बुज़ुर्ग ताहिर हैं हमने जो अल्लाह के मुंतखब करदा बंदों पर अपने दिल में उनको ये जगह दी वो वो हैं कि जो अल्लाह की सरकार से इल्म लेके आए हैं इस सिलसिले में मैं रोज़ाना आपकी खिदमत में कुछ न कुछ अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ और बात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अपने अख्ताम की मंजिल तक पहुँच गई बस आज की और कल की दो मज़लिसें हैं जिसमें मुझे जल्दी जल्दी अपने इस बहुत बड़े मज़मून को समप करना है और समेटना है मजमून जिसकी वसत बहुत है मगर मैं एक दिन अर्ज़ कर चुका कि चंद घंटों में इस मज़मून को समेटना नामुमकिन बात है इसलिए कि अहले वैत वो हैं कि जिनके मुतालिक रसूल ने इशात फरमायाली तुम्हें किसी ने ना पहचाना या मैंने पहचाना या खुदा ने पहचाना अली को जब अल्लाह और रसूल के अलावा कोई दूसरा पहचान ही नहीं सकता तो कायनात उस अली के बारे में क्या बयान कर सकती है दुनिया उन अली के बारे में क्या जबान कुशाई कर सकती है क्या लब कुशाई करे क्या जबान से कोई जुमला अदा करे लेकिन अजीजों मामला यह है कि अहल बैत जिनके मानने के पीछे जिनसे मोहब्बत और अकीदत रखने के लिए इस बात की शर्त है कि दिल में अहले बैत ही की मोहब्बत होना चाहिए है ऐसा न हो कि दिल के किसी गोशे में अहल बैत भी हों और उसके अलावा गैरों की अकीदतें भी होंबैत वो हैं जो ताहिर हैं अहलेत वो हैं जो पाक हैं तहारत के साथ पाकिजगी के साथ इनके साथ किसी दूसरी हस्तियों का मेल खाता नहीं है अगर दिल में अहल की मोहब्बत है तो सिर्फ अहले बैत ही की मोहब्बत होना चाहिए यह बात गलत है कि हम तो सबको मानते हैं सबको मानिए फिर आपको अहले बैत को छोड़ना पड़ेगा अहले बैत को छोड़ना पड़ेगा इसलिए कि अंधेरा और रोशनी हक और बातिल सही और गलत यह सब एक जगह नहीं जमा हो सकते निजासतें और तहारत ये एक जगह नहीं आ सकते अहले पाक हैं अहले ताहिर हैं हम नजिस हैं हम नजिस हैं हमारी जो असलियत है वो निजासत है हम जब दुनिया में आए तो नजिस पैदा हुए हम जब दुनिया से जाएंगे रूह हमारे जिस्म से निकलेगी तो हम नजिस हो जाएंगे हमारा आगाज़ भी निजासत है हमारा अंजाम भी निजासत है जब हम दुनिया में आए तो हमें नहला दिया गया हम पाक हो गए जब हम दुनिया से जाने लगे रूह ने हमारा साथ छोड़ दिया हम नजिस हो गए हमें पाक कर दिया गया गसल दे दिया गया हम पाक हो गए लेकिन अहले बैत वो से पाक हैं कि जिनकी विलादत काबे में हुई और जिनका खून जिस जमीन पर टपक गया वो खा खा के पाक बन गई तो निजास्तें और तहारत एक जगह जमा नहीं हो सकती दिल सिर्फ और सिर्फ अहल वैत की मोहब्बत से सरशार रहने चाहिए मैंने कल आपकी खिदमत में इस सिलसिले में कुछ अर्ज़ करने की कोशिश की थी और कल की मजलिस में बात जल्दी जल्दी यहाँ पर आके ख़त्म हो गई और तमाम हो गई कि मुबाहले में हजूर सवर कायनात जिनको अपने साथ ले के गए वो कोई गैर नहीं थे वो वही थे वो वही करीबी थे जिनके लिए रसूल ने कभी ये इर्शाद फरमाया कि अली मिन्नी वाना मिनहो फातिमात वेज़त मिन्नी, हसन उम्मिन्नी वाना मिन होसैन उम्मिन्नी वाना अल हुसैन वो हस्तियां हैं वो पाक लोग हैं वो अहले बैत हैं अहले बैत ने दुनिया में आके दर्श दिया अहले बैत ने दुनिया में आके पढ़ाया अहिल वैत ने दुनिया में आके तालीम दी चुनानच मौल कायनत ने एक मंजिल पर मम्बर पर खुतबा दिया कोफे का मेम्बर था खतीब मेम्बर पर आया और मम्बर पर आके वो मजमे से कहता है कि सलूनी सलूनी जो तुम्हारा दिल चाहे सवाल कर दो मुझसे पूछ लो मुझसे जो तुम्हारा दिल चाहे सवाल करो जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो और उसके बाद उस खतीब ने एक मरतबा आसमान की जानब देखा और आसमान की जानब देख के वो खतीब कहता है कि सलूनी व तुरो समा मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो मैं तुम्हें आसमानों के रास्ते बताऊंगा मगर नीचे जो मजमा बैठा हुआ था उस मजमे ने यह सोचा कि ये बुज़ुर्ग ये खतीब अपने इल्म में इजाफे के वास्ते अपने इल्म की बर्तरी के वास्ते अपने इल्म के दबदबे को साबित करने के वास्ते इस तरह के जुमले बोल रहा है ऐसी ऐसी बातें कह रहा है लेकिन वो खतीब वो आलिम चंद बरस में ज़ाहरी तौर पर हमारे दरमियान से रुख़त हो गया और वो मजमा भी थोड़े दिनों के बाद अपनी मौत आप मर गया लेकिन खतीब के जुमले तो तारीख में रह गए मकर के अलफाज को तारीख ने महफूज कर लिया उस आलिम और प्रोफेसर का लेक्चर तो तारीख के सीने में और किताबों में महफूज रह गया लेकिन धीरे धीरे जब कारवान इल्म आगे बढ़ा इंसान का इल्म इस मंजिल पर पहुंचा कि उसने जमीन से आसमानों का रुख किया इस जमीन से फजा की तरफ गया खला की तरफ गया सैारों की तरफ गया सितारों की तरफ गया चांद पर गया तो कहने लगा आसमानों पर रास्ते हैं जिन रास्तों की हमको तलाश है जिन रास्तों पर हमको जाना है उन रास्तों की हमको तलाश है और हमें उन रास्तों पर जाना है तो अजीजान गिरामी जब वो खतीब जो चौदह सौ बरस पहले कह रहा था मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो तो जब आज के इंसान ने कहा कि फजा में और खला में रास्ते हैं जिसकी हमें तलाश है तो हमें उस खतीब उस मुकर उस उस्ताद उस प्रोफेसर उस आलिम की बात कानों से टकराई और याद आई कि मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो मैं तुम्हें आसमानों के रास्ते बताऊंगा अजीजा ने गिरामी ये कोई गैर नहीं था यह कोई बेगाना नहीं था यह कोई अजनबी नहीं था यह वही था जिसके लिए रसूल ने इर्शात फरमाया कि अना मदीनतम व अली बाबोहा मैं इल्म का शहर हूं अली उसका दरवाजा है मैं इल्म का शहर हूं अली उसका दरवाजा है ये अली थे जिनका इल्म खुदा की कसम उस मंजिल पर था कि जो अल्लाह की सरकार से इल्म लेके आए थे अल्लाह की सरकार से पढ़ के आए थे जिन्होंने इल्म की दौलत बहाई जिन्होंने दुनिया वालों को बताया कि देखो किस तरीके से किस तरीके से इंसान इल्म हासिल करता है कैसे इल्म हासिल करो कैसे इल्म के मैदान में आगे बढ़ो उन्होंने ऐसे ऐसे जुमले ऐसी ऐसी बातें ऐसे ऐसे कौल ऐसे ऐसे फरामीन अली ने इरशाद फरमाए कि इंसान महव हैरत है अगर किसी को यकीन ना हो तो बलागा उठा के देखे और बलागा उठा के पढ़े बलागा कोई अली की लिखी हुई किताब नहीं है मैं अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में यह बात अर्ज करूं आप जानते हैं लेकिन वो गैर अगर किसी को ना मालूम हो तो उसके वास्ते कि बलागा अली की लिखी हुई किताब नहीं है अली बलागा के आथर नहीं है बल्कि इसको जमा किया गया है कंपाइल की भी किताब है और इसको हमारे एक बहुत बड़े आलिम ने बड़ी मेहनत के साथ जमा किया अल्लामा रजी जो सैयद रजी के नाम से मशहूर हैं उन्होंने मौला अली के इरशादात को मौला अली के अकबाल को मौला अली के खतूत को मौला अली के खुदबात को कलेक्ट किया यकजा किया जमा किया कंपाइल किया एक किताब की सूरत दी और उस किताब का नाम रखा नहजुल बलागा नहजुल बलागा लेकिन जब उस किताब को सैयद रजी ने कंपाइल किया और उन तमाम चीजों को जमा किया तो जमा करते हुए उन्होंने मुकदमे में यह बात लिख दी कि ये वो तमाम सबका सब अली का कलाम नहीं है कोई ये ना सोचे कि यह सबका सब कलाम अली है जिसको मैंने यज्जा किया और जमा किया उन्होंने यह कहा कि भाई यह वो कलाम है कि जितना मुझे हासिल हुआ है जो मुझको मिल सका यह वो है जिसको मैं जमा कर रहा हूं लेकिन अजीजा ने ग्रामी जितना कलाम जितना मैटर जितना भी खुदबात और खतूत और अकबाल और शॉर्ट सेंग्स सैयद रजी को मिली और उन्होंने बलागा में जमा की तो लगभग लगभग साढ़े ग्यारह सौ बरस से दुनिया महवे हैरत है दुनिया परेशान है क्या अकबर लाहु अकबर कोई इतना बड़ा आलिम भी था कोई इतना बड़ा खतीब भी था कोई इतना बड़ा मुक्र भी था कोई इतना बड़ा जज भी था कोई इतना बड़ा फैसला करने वाला भी था कि जिसने 1400 सौ बरस पहले वो इर्शाद फरमा दिया जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते हैं यह है अली अली इब्नाबी तालिब्लाम का इल्म, यह है इल्म इलम अली हमने जिदालत को नहीं माना हमने अंधेरों को नहीं माना हमने जुलमतों को नहीं माना हमने बेदीनी को नहीं माना हमने इल्म को माना नूर को माना रोशनी को माना जन्नत को माना हक़ को माना दीन को माना अली को मानना हक़ को मानना है अली को मानना दीन को मानना है अली को मानना इस्लाम को मानना, मानना है अली को मानना इल्म को मानना है अली को मानना शजात को मानना है अली को मानना तखबे को मानना है अली को मानना जोहत को मानना है अली को मानना जन्नत को मानना है अली को मानना रसूल को मानना है अली को मानना खुदा को मानना है खुदा को मानना है इसलिए कि अल्लाह तक का जाने का और पहुंचने का रास्ता ही अली के जरिए से है रसूल ने इसी वास्ते पहले इर्शाद शरमा दिया कि अना मदीन फाली वाली उन बाबो मैं इम का शहर हूं और अली इसका दरवाजा है लेकिन इसके साथ साथ रसूल ने रास्ता भी बताया मन अरादल इल्म फलियातिल बाब जिसको इल्म की तलाश हो वो दरवाजे से आए दरवाजा बता दिया कि देखो यू ना आ जाना दरवाजे के जरिए से आना दरवाजे के जरिए से आओगे तो इल्म के शहर तक पहुंचोगे यानी अली के जरिए से आओ तो मोहम्मद तक पहुंचोगे मोहम्मद तक आओ तो आओगे तो खुदा तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा यानी अगर, अगर अली के वसीले से आओगे तो अल्लाह रसूल मिलेगा अली को छोड़ दिया ना खुदा मिलेगा ना रसूल मिलेगा ना खुदा मिलेगा ना रसूल मिलेगा तो अजीज आने गिरामी यह इल्म है हमने इल्म को और किसी के जहन में यह बात ना आने पाए कि मैं रोजाना आपकी खिदमत में सिर्फ अली के मुतल को चर्स कर रहा हूं और जो मेरे मजलिस का उनवान है और जो हैं और जो गुफ्तू है वो अली ही के गर्द घूम रही है नहीं बीच में अली हैं इसलिए कि अली अबुल आइम्मा हैं अली इमामों के बाप हैं हसन हुसैन इनके बाद नस्ल हुसैन में आने वाले इमाम मासूमीन सबके पास वही इल्म है जो इल्म अली के पास था सबके पास वही किरदार है जो किरदार अली वाला किरदार था सबकी सीरत वही सीरत है कि जो अली वाली सीरत थी अली ने मे कोफा पर निर्शात फरमाया कि सलूनी मुझसे पूछो अली के बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकर इनको बाकरुल इल्म कहते हैं इल्म को शिगाफ्ता कर, करने वाले इल्म को शगाफ्ता करने वाले बाकरुल इल्म, जिन्होंने इल्म का दरिया बहाये और आज जो इस्लामी सिक्का था उस इस्लामी सिक्के को जो सबसे पहले राइज किया है वो इमाम मोहम्मद बाकर बाकेम ने सुनिएगा दीदा ने ग्रामी बात आ गई तो ये सुनाता चलूं कि अरब में ममलिकत इस्लामी में जो नाम नहाद इस्लामी हुकूमत थी उसमें जो सिक्का चल रहा था वो रोम का सिक्का था लेकिन जब कैसर ने बादशाह ने एक मौके के ऊपर खलीफा साहब से ये कहलवाया कि मेरी ये बात मानो वरना मैं सिक्के पर वरना मैं को पर तुम्हारे रसूल को बुरा भला लिखूंगा तुम्हारे रसूल को बुरा भला लिखूंगा यह पैगाम बादशाह वक्त तक पहुंचा खलीफा साहब तक पहुंचा इनकी तो हालत खराब हो गई इनके तो माथे पर पसीना चेहरे पर एक रंग आ रहा है एक रंग जा रहा है इसलिए के तख्ते हुकूमत पर बैठ जाना और अपने को मुसलमीन कहलवाना अलग बात है और किसी का आलिम होना अलग बात है ये दोनों अलग अलग, अलग चीज़ें हैं मुसलमीन होना अलग चीज़ है आलिम होना अलग चीज़ है लेकिन जिनको अल्लाह ने मंतख किया वो खलीफतल्ला भी हैं आलिम भी हैं इमाम भी हैं मासूम भी हैं मंतब कर दवरदगार भी हैं जिनको अल्लाह ने मुंतब करके भेजा मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिनको दुनिया वालों ने बनाया और इधर परेशानी शुरू हुई कि अब क्या किया जाए कि बड़ी मुश्किल आ पड़ी है कि तो किसी ने कहा कि जाओ जाके मुश्किल कुशा को लेके आओ मुश्किल कुशा के बेटों को आवाज दो चुनाचे इमाम मोहम्मद बाकद्लाम को बुलाया गया इमाम मोहम्मद बाक़र बाकाम तशरीफ तो लाए और उनके सामने मामले को रखा गया तो इमाम ने जवाब दिया कि ठीक है कोई मसला ही नहीं है तुम अपना सिक्का ढाल लो और इस खत के जवाब में तुम अपना सिक्का ढाल के भेज दो कैसर रोम को तो खलीफा साहब ने कहा फर्जंद रसूल हम अपना सिक्का कैसे ढालें हम अपना सिक्का कैसे ढालें तो इमाम ने सिक्का ढालने का तरीका बताया सबसे पहले कैलकुलेशन बताया देखिए बड़ा टेक्निकल मामला होता है यह ऐसा नहीं है कि आपने कागज को छापना शुरू कर दिया प्रेस में और वो नोट की शक्ल में छप छप के निकल रहा है जो अकाउंट्स के लोग हैं जो इकतसादियात के माहिर हैं जो इसका ताल्लुक कॉमर्स से है वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये जो कागज का नोट चल रहा है जिससे सुबह से शाम तक हम और आप खरीदारी करते हैं और डीलिंग करते हैं इसके पीछे बैंक में सोना मौजूद है रिजर्व बैंक में हजार रुपए हमारे पास हैं। तो वो हजार रुपए का सोना मौजूद है बैंक में इसके बैंक में पीछे तो हजार रुपए हम खर्च कर रहे हैं एक लाख रुपए हमारे पास हैं तो एक लाख रुपए का सोना मौजूद है वरना बात ही क्या हुई कि कागज छापते चले जाइए आप मैदान में ले आइए बाजार में उतार दीजिए तो फिर वो जाली नोट कहलाएगा असली नोट नहीं कहलाएगा असली नोट वही है कि जिसको हुकूमत जारी करती है जिसके पीछे सोना मौजूद रहता है तो ये पूरा 100 परसेंट टेक्निकल मामला है इस मामले को इस कैलकुलेशन को इमाम मोहम्मद बाकर सलाम ने बताया और इमाम ने बताया कि कैसे सिक्के को ढाला जाए सिक्के ढालने का कैलकुलेशन सिक्के का कैलकुलेशन इमाम ने बताया सिक्का ढाला कैसे जाए इमाम ने बताया सिक्के पर लिखा क्या जाए यह इमाम ने बताया क्या देखो कॉइन के सिक्के के एक तरफ अपना कलेमा लिखो एक तरफ रसूल अल्लाह का नाम नामी इसमें ग्रामी लिखो सिक्के के एक रुख पर ला इला मोहम्मद रसूल्लाह लिखा गया दूसरे रुख पर रसूल्लाह का नाम ग्रामी इसमें ग्रामी लिखा गया और इसके बाद जब सिक्का ढल गया तो उस खत के जवाब में रोम में यह सिक्का भेज दिया गया अब जैसे ही कैसर रोम के पास ये सिक्का पहुंचा तो वो सिक्का देखते ही उसकी वही हालत हो गई जैसा खत आने के बाद यहां बादशाह सलामत की हो गई थी तो मजहब पर जब वक्त पड़ा दीन पर जब बात आई हक की हकानियत के लिए मजहब की सदाकत के लिए दीन को बचाने के वास्ते आहल मोहम्मद ही सामने आए अहले बैत ही सामने आए इसके अलावा कोई सामने ना आया इसी तरीके से हमारे और आइम्मा के वाकयात हैं आइम्मा की जिंदगियां हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर इस्लाम की नुसरत की है इस्लाम की मदद की है मजहब को दीन को सुरखरू किया है और दुश्मनों को जलील रसुआ किया दुश्मन जलील रसुआ हुआ तो आदिदा ने ये हमारे इमाम हैं ये रहबर हैं ये पेशवा हैं ये वो पाक हस्तियां हैं जिनके दर पर चौदह सौ बरस से मौजूद जमाना आज भी इमाम से खाली नहीं है मोहम्मद का बेटा अली और फातिमा का फरजंद आज भी हिजाब गैब में मौजूद है जिसके पास वही अली वाला इल्म है इल्म अली वाला किरदार अली वाला सीरत अली वाली वही घराने का अंदाज वही घराने की सीरत वही घराने का इल्म वही घराने की शजात वही घराने की बहादुरी जो इनके घर की रही है उसका वारिस आज भी हिजाब गैब में मौजूद है तो हमने जिन अहिबायत को माना उनको आंखें खोल के माना आंखें बंद करके नहीं माना अंधी अकीदतों में नहीं माना अगर हमने उनका इल्म देखा तो इल्म के मैदान में उनसे बड़ा कोई नजर ना आया अगर इनकी शजात को देखा तो इनसे बढ़ के कोई शजा और बहादुर नजर ना आया अगर इनके जोहत को देखा तो इनसे बढ़ के कोई दूसरा जाहिद नजर ना आया अगर इनकी इबादतों को देखा तो इनसे बढ़ के कोई आबिद नजर ना आया अगर मिंबर पर देखा तो इनसे बढ़ के कोई खतीब ना आया नजर ना आया अगर मेहराब में देखा तो इनसे बढ़ के कोई इबादत करने वाला नजर ना आया अगर खिदमत दीन में देखा तो इनसे बढ़ के अल्लाह की दीन की खिदमत करने वाला नजर ना आया अगर गरीबों की मदद करते हुए देखा तो इनसे बढ़ के गरीबों का पुरसान हाल नजर ना आया मुख्तसर यह है इनको जिस अंदाज में देखा जिस जगह देखा कोई इनसे बड़ा नजर ना आया कोई इनसे अफजल नजर ना आया कायनात पीछे नजर आई या आगे नजर आए यही तो वजह थी कि जब दीन मुकम्मल हुआ और गदीर के मैदान में यह आयत आई या हर रसूल बल्ले हमान अरे हमारे रसूल आप पहुंचा दीजिए उस चीज को जो आप पर पहले नाजिल की जा चुकी अगर आपने ये नहीं पहुंचाया तो कार्य रसालत अंजाम नहीं दिया अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा लोगों के खतरे से बचाएगा रसूलुल्लाह ने जाते हुए मजमे को रोका मजमा ठहरा मजमा रुका देखिए मजमे का रुकना भी आसान बात नहीं है मजमे का रुकना भी आसान बात नहीं है यह आज का काफिला नहीं है दो हजार इक्कीस का कि 150 गाड़ियों का कानवाए जा रहा है काफिला जा रहा है अचानक काफिले को रोक देना पड़ा गाड़ी के ब्रेक लगा लोग गाड़ी से दरवाजा खोल के उतर आए 1400 सौ बरस पहले चौदह सौ बरस पहले जब ऊंटों का सफर होता था ऊंटों की पुष्प पर तो बैठ के लोग चलते थे उनका रोकना उनका बिठाना उन लोगों का उतरना आसान नहीं होता था काफिले को रोका गया जानवरों को बैठाया गया उसके बाद जानवरों की पुश से और कजावों से और लोग निकल निकल करके उतर उतर करके आकर के जमा हुए यज्जा हुए हुजूर सवर कायनात ने साहबा कराम से अर्ज की साहबा कराम से कहा कि मेम्बर बनाओ तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल इस जंगल और बियाबान में हम मेंबर कैसे बनाए हमारे पास मेंबर बनाने का कोई सामान नहीं है हमारे पास कोई सामान नहीं है कि हम मेंबर बनाए मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह आप रसूल हैं आप इल्म गैब रखते हैं आपको मालूम है कि ये बेचारे हाजी हज करके वापस आ रहे हैं ये सहाबी हैं ये हाजी हैं यह मक्के से आ रहे हैं इनके पास तबर्रुक में आब जमजम के अलावा कुछ है नहीं यह जमजम का पानी लेके आ रहे हैं इनके पास वो सामान नहीं है जिस सामान से मिंबर बनाए या रसूल अल्लाह क्या आपको यह बात मालूम नहीं है आप ये बात नहीं जानते शायद जवाब मोहम्मद आए कि अल्लाह का रसूल ना जानेगा तो कौन जानेगा मैं भी इस बात को जानता हूं मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब उस्ताद पढ़ाता है तो कभी कभी अपने शागिर्दों का इम्तिहान भी लेता है रसूलुल्लाह ने तेईस बरस पढ़ाया तेईस बरस तालीम दी तेईस बरस सिखाया तेईस बरस बताया और जब चलने लगे तो आखिरी दौर में और आखिरी जमाने में एक मरतबा उम्मत का इम्तिहान लिया का भाई मिंबर बनाना जानते हो तो उन्होंने कहा कि अरे हम मिंबर कैसे बनाए हमें मिंबर बनाना नहीं आता इस वीराने में हम कैसे मिंबर बनाए शायद रसूल ने इसीलिए उम्मत का इम्तिहान लिया कि जो तुम तीन महीने पहले मिंबर बनाना नहीं जानते थे तो तीन महीने बाद साहेब मिंबर कैसे बन गए अगर रसूलुल्लाह मिंबर बनाना ना बताते तो जाऊंगा दुदान ग्रामी अगर रसूलुल्लाह मिंबर बनाना ना बताते तब हम ये सोचते कि जो सहाबा ने फरमाया वो सही फरमाया था जो बात सहाबा ने कही वो सही कही क्या अरे इस जंगल में बियाबान में वीराने में हम मिंबर कैसे बनाएं? हमारे पास तो कुछ है नहीं रसूल ने मिंबर बनवा करके बता दिया कि तुम्हें मिंबर बनाना नहीं आता इम्तिहान में तुम फेल रसूल ने तरीका बताया का पालान पर पा पालान रखो मिंबर बन के तैयार हो जाएगा लीजिए मिंबर बन के तैयार हुआ सरकार मिंबर पर तो शरीफ ले गए खुदबा इशाद फरमाया खुदबा तमाम हुआ कि एक मरतबा आसमान की जानिब देखा फरमाया अल्लाह मौलाया अल्लाह मेरा मौला आना मोल मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला आना मोल मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला ये नहीं फरमाया कि वह आना मोलन मुसलमिन मैं मुसलमानों का मौला मुसलमानों का मौला नहीं मोमिन का मौला वह आना मौलल मोमिन मैं मोमिनों का मौला इतना कहते कहते अली को हाथों पर बुलंद किया फरमाया मनकुन तो मौला हो फहादा अली उन मौला जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला अली की विलायत का ऐलान किया अली को मौला बनाया जब अली को मौला बना लिया जिब्रैल आयत लेके उतरे अल्योम अकमल तो लकुम दीनकुम आज दीन कामिल हो गया आज दीन मुकम्मल हो गया तो चलिए एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं एक बात बड़ी होशियारी के साथ और बहुत समझ बूझ करके आप सुन लीजिए कि दीन मजहब इस्लाम इसमें जब तक इमामत को विलायत को शामिल नहीं कर लिया गया तब तक के दिन मुकम्मल नहीं हुआ जब इमामत और विलायत दीन में शामिल हो गई तब अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया जब अली इस्लाम में शामिल हो गए अली की यानी अली की विलायत का ऐलान हो गया तब अल्लाह ने आयत भेज के ऐलान किया कि यौम अकमल तोल दीनकुम आज दीन मुकम्मल हुआ आज दिन कामिल हुआ इधर दिन कामिल हुआ उधर रसूल ने दुआ के वास्ते हाथ उठाए देखिए बात किधर से किधर घूम गई मैं क्या अर्श कर रहा था और क्या बात घूम गई दुआ के लिए रसूल ने हाथ बलंग किए और रसूल ने दुआ की पालने वाले दिन मुकम्मल हुआ है गदीर की भरी दोपहर है मजमा है मैदान है सहाबा के राम है खुद जहाज के राम है सरकारी रसालत हैं खत्मी मरतबत हैं मौलाए कायनत हैं रसूल ने दुआ के वास्ते हाथों को बुलंद किया और फरमाया कि पालने वाले तू इसे दोष रखना उसे दोष रखना जो इसे दोष रखे तू उसे दोष रखना जो इसे दोष रखे पहलू में अली खड़े में हैं रसूल की दुआ सुनिए पालने वाले तू उसे दोष रखना जो इसे दोष रखे तू उसे दुश्मन रखना जो इसे दुश्मन रखे तू उसे दुश्मन रखना जो इसे दुश्मन रखे उसकी नुसरत करना जो इसका साथ दे उसको जलीलो खार करना जो इसको छोड़ दे हाय हाय जबान रसालत के निकले हुए जुमले हैं उसको जलीलो खार करना जो इसे छोड़ दे और उसके बाद फरमाया अदरिल हक है सो पालने वाले हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए गौर नहीं किया आपने अल्लाह अदरिल हक है सोमादार पालने वाले हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़ जाए जिधर ये मुड़ जाए अजीजों रसूल की दुआ है कि उसे दोस्त रखना जो इसे दोस्त रखे उसे दुश्मन रखना जो इसे दोस्त दुश्मन रखे अब एक बात आप जरूर समझ लीजिए अगर आपको अल्लाह की दोस्ती चाहिए है तो अली को दोस्त रखिए अल्लाह की दुश्मनी चाहिए है तो अली को दुश्मन बना लीजिए उसकी नुसरत करना जो इसका साथ दे उसे जलील और रुसवा करना जो इसे छोड़ दे चौदाह सौ बरस में हमने देख लिया कैसे जमाने गुजरे कैसे हालात गुजरे तख्त इज्जत न दिला सका ताज इज्जत न दिला सका दौलत इज्जत न दिला सकी हुकूमत इज्जत न दिला सकी तख्त इज्जत न दिला सका लश्कर इज्जत ना दिला सका फौजें इज्जत न दिला सकी इसलिए इन्होंने अली को छोड़ दिया था रसूल की दुआ है अपना काम करेगी रायगा नहीं जाएगी बेकार नहीं जाएगी और उसके बाद पालने वाले हक को उधर मोड़ जिधर ये मुड़ जाए या रसूल अल्लाह आपकी दुआ के जुमले हमारी समझ में नहीं आते क्या फरमाया आपने के इस हक को उधर मोड़ जिधर ये मुड़े या अल्लाह कहीं आप ये तो फरमाना नहीं चाह रहे थे कि इसको उधर मोड़ जिधर हक मुड़ जाए शायद रसूल का जवाब आए तमीज से बात करना ये जबान रसालत के निकले हुए जुमले हैं हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़ जाए हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़ जाए पता चला कि हक भी अपना रास्ता अली के पीछे तलाश करेगा अब हक की पहचान यह है कि जो अली के पीछे नजर आए वो हक है जो अली के आगे बढ़ जाए वो बातिल है तो अब एक बात चलते चलते जहन में रखिएगा कि नमाज हक है कि नहीं रोजा हक है कि नहीं हज हक है कि नहीं काबा हक है कि नहीं कुरान हक है कि नहीं दीन हक है कि नहीं ये सारी की -सारी, सारी तमाम चीजें हक हैं कि नहीं अब ये अली के पीछे मिलेंगी अली के आगे नहीं मिलेंगी अगर कोई नमाज अली के आगे मिल जाए तो वो हक की नमाज ना होगी बासिल का मुसल्ला जरूर होगा यह अजीब मंजिल है खुदा की कसम ये अहले अहलेबायत हैं। हम अहले अहलेबायत को क्यों मानते हैं लाखों दरूद और करोड़ों सलाम उन पाक और बुजुर्ग हस्तियों पर उन अहले एहलेत पर रसूल ने इनकी विलायत का ऐलान किया और इसके बाद एक खेमा नस्ब करवा के अली को बिठाया सहाबा कराम को हुक्म दिया कि जाओ जाके अली को मुबारकबाद दो जाओ जाके अली को मुबारकबाद दो लोग आते रहे अली को मुबारकबाद देते रहे या अली मुबारक हो या अली मुबारक हो ली मुबारक हो, अली को मुबारकबाद दी किसी का यह भी कौल तारीख के सीने में महफूज है किसी बुजुर्ग ने यह भी फरमाया कि किली मुबारक हो मुबारक हो आज से आप मेरे भी मौला हैं और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के मौला हैं तो चलिए उलमा इस्लाम अक्सर एक बात कहते हैं हमारे अमल को देख के क्या साहब ये सुन्नत है ये बिदत है ये वाजिब है ये हराम है ये जायज़ है ये ना जायज़ है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए ahead... like लंबी लंबी दाढ़ियाँ हिला करके आँखों में सुरमे लगा करके साहब ये जायज़ है ये ना जायज़ है ये सुन्नत है ये बिदत है, है। चलिए हमको इससे बहस नहीं है कि क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है क्या सुन्नत है क्या बिदत है हमारी यादादारी है मुहर्रम है ये मजलिस है ये मातम है ये सीना जनी है ये सबीले हैं, ये तब्रुख है ये नजरों न्याज है ये खिचड़ा है ये, ये शरबत है उनका के साहब ये बिदत है ये नाजायज है चलिए कुछ बीज बिदत हो सुन्नत हो जायज हो ना जायज हो कम से कम इतनी बात तो मानना पड़ेगी कि गदीर में अली की विलायत की मुबारकबाद देना रसूल की सुन्नत है साहबा की सुन्नत है रसूल ने हुक्म दिया ने रसूल पर अमल किया अली को मुबारकबाद दी कुछ जायज हो या ना हो कुछ सुन्नत हो या न हो कुछ हलाल हो या न हो कम से कम गदीर में मुबारकबाद देना तो सुन्नत है हाँ अजीजों वक्त तमाम हो रहा है बात भी जल्दी से तमाम करो इंशाल्लाह अब जो कुछ है वो कल आपकी खिदमत में अर्ज करके बात को मुख्तर करूँगा आज बस यहीं पर बात तमाम हो जाए कि यह गदीर है जहां रसूल से कह दिया गया कि अगर इसे ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया अगर इसे ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया ना आपने नमाज पहुंचाई ना आपने रोजा पहुंचाया ना आपने हज पहुंचाया ना आपने कुरान के बारे में बताया ना आपने क्यामत के बारे में बताया ना अपने आखरत के बारे में बताया ना अपने अल्लाह के बारे में बताया ना आपने अपने बारे में बताया आपने कुछ ना बताया अगर आपने अली को ना बताया अगर आपने विलायत को ना बताया अगर आपने एलाते विलायत हैदर करार ना किया एला विलायत अमीर मिन ना किया तो हमको भी ये बात समझ लेना चाहिए कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा अली के फ़ज़ा बयान करें ज़्यादा से ज्यादा अली का ज़िक्र करें ज़्यादा से ज़्यादा अली का तस्करा करें इसलिए कि ज़िक्र हैदर करार में जिक्रली जिब्न अभी तलब्लाम में अल्लाह भी खुश होता है रसूल भी राजी रहते हैं वरना अल्लाह भी नाराज़ हो जाएगा और रसूल भी आपसे राज़ी ना रहे इसलिए कि इसकी वजह यह है कि अली ने जो कुछ भी किया वो इस्लाम के लिए वो मज़हब के लिए वो दीन के वास्ते और करबला में कोई गैर नहीं था वो अली ही का बेटा था जिसने एक दोपहर में पूरा मजहब बचा लिया पूरा दीन बचा लिया यजीद दीन को मिटा देना चाहता था इस्लाम को तबाह कर देना चाहता था वही इलाही का मजाक उड़ा रहा था बनी हाशिम बने का का खेल कह रहा था कि बनी हाशिम ने तो मुल्क के साथ एक खेल खेला था ना कोई खबर आई थी ना कोई वही आई थी वो तो ये कहिए कि मोहम्मद के नवासे ने कटे हुए सर से कुरान की तिलावत करके बता दिया यजीद तू झूठा है मेरा नाना सच्चा है दीन भी आया वही भी आई कुरान भी आया इस्लाम भी आया मजहब भी आया आज उसी हुसैन को हम रो रहे हैं उसी हुसैन पर हम आंसू बहा रहे हैं या बा अब्दुल्ला जो गुलाम हाजिर हैं या बा अब्दुल्ला जो गुलाम हाजिर हैं आज की रात हम एक अली का जिक्र करते हैं जिसका नाम तो अली था मगर सूरत मोहम्मद की थी उम्र फातिमा जहरा की मिली हाय कैसे अर्ज करूं? नाम अली अकबर था सूरत में सीरत में रफ्तार में गुफ्तार में अंदाज में वो रसूल अल्लाह से मुशावे हूँ और उम्र वही उम्र थी जो जनाब फातिमा जहरा ने उम्र पाई अठारह बरस या अठारह बरस का कड़ियल जवान जो बेटा तो लैला का था मगर पाला जैनब ने था हुसैन की आंखों का नूर जैनब के दिल की ठंडक उम्म लैला के चमन की बहार हुसैन ने सबसे पहले अली अकबर को मख्तल की इजाजत दी इसीलिए ज्यारत में हजरत अली अकबर को अव्वल शहीद कहा जाता है सबसे पहले अपने बेटे को मख्तल की इजाजत दी लेकिन असाब वफवा हाथ जोड़ के आगे बढ़े कहा फर्दंद रसूल ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिंदा रहें और अली अकबर मखतल को सिधारें ऐसा हरगिज नहीं होगा लीजिए असाब ने इसरार किया अली अकबर रुके असाब अंसार मख्तल में आए जब कासिम ना रहे ओन मोहम्मद से धार गए अब्बास की मैयत पर दरिया के किनारे हुसैन ने मरसिया पढ़ा अब उसके बाद जब देहोड़ी पर सन्नाटा हो गया था बारगाह उजड़ चुकी थी देहड़ी वीरान हो चुकी थी कोई न था कड़ियल जवान बेटा हाथ जोड़े खड़ा था मेरे बाबा मुझे भी मख्तल की इजाजत दे दो ए बाबा मुझे भी मैदान की इजाजत दे दीजिए हुसैन ने हर शहीद को मैदान में जाने से रोका मगर अपने कड़ियल जवान बेटे को नहीं रोका कहा जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज मगर जाके खेमे में रुख्सत हो लो मां से रुख्सत हो लो फुपी को खुदा हाफिज़ कह दो बहनों को अलविदा कह दो अली अकबर खेमे में आए मां को खुदा हाफिज कहा फूफी से इजाजत ली बहनों को अलविदा कहा खेमे से कैसे नुस्त हुए मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन हमीद इबने मुस्लिम कहता है वो दूर से यह मंजर देख रहा था वो कहता है कि मैं देख रहा था खेमे का पर्दा उठता था और गिरता था उठता था और गिरता था सात मरतबा खेमे का पर्दा उठा और गिरा सात बार खेमे का पर्दा उठा और गिरा और जब अली अकबर खेमे के बाहर निकले तो आलम यह था ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी भरे घर से जवान की मैयत निकल रही हो बीवियां, सैदानिया बहने सर के बाल खोले हुए वाह अली अकबरा वाह अली अकबरा ए अली अकबर खुदा हाफिज हुसैन की खिदमत में आए बाबा मुझे इजाजत मिल गई मैं अम्मा से इजाजत ले आया फूपी अम्मा ने मुझे खुदा हाफिज कह दिया हुसैन की खिदमत में आए हुसैन ने अपने बेटे को सर से पैर तक देखा सजाया संवारा तैयार किया सिपाही बनाया सरपा मामा रखा कमर में पटका बांधा तलवार लगाई फूबहू नाना याद आ गए नाना की छवि नजर आने लगे जैसे रसूल खड़े में हो एक मरतबा हुसैन ने बेटे को देखा आसमान को देखा दुआ के वास्ते हाथों को बुलंद किया ये पालने वाले गवा रहना मैं ऐसे बेटे को तेरी राह में भेज रहा हूं जो सूरत और सीरत में अंदाज में रफ्तार में गुफ्तार में तेरे रसूल से मुशाबे है तेरे हबीब की शक्ल है अली अकबर को खुदा हाफिज कहा अली अकबर रहवार पर सवार हुए मख्तल को सिधारे कुछ दूर अली अकबर का घोड़ा बढ़ा था कि एक मरतबा बेटे को महसूस हुआ कोई पीछे आ रहा है अब जो घूम के देखा तो बूढ़ा बाप कमर पकड़े हुए वा वाला या वालादा अरे मेरे लाल अरे मेरे बेटे अली अकबर तेजी थे उतरे घोड़े से का बाबा आप ही ने तो मुझे किया था बाबा आप ही ने तो मुझे खुदा हाफिज कहा था ए मेरे बाबा ये क्या आलम है तो हुसैन ने एक जुमला कहा ये जुमला कहा औलाद वालों कलेजे पर हाथ रख के सुनना हुसैन ने एक जुमला कहा कि मेरे लाल काश तुम साहेब औलाद होते काश साहेब औलाद होते और देखते औलाद का दाख कैसा होता है औलाद की मोहब्बत क्या चीज है काश तुम साहेब औलाद होते लेकिन मेरे लाल अच्छा जाओ खुदा हाफिज अली अकबर मख्तल में आए हुसैन दर खेमा पर खड़े हो गए अली अकबर मख्तल में तलवार चला रहे थे हुसैन अकबर का जिहाद देख रहे थे मादरे खेमा पर खड़ी हुई हुसैन को देख रही थी कि एक मरतबा हुसैन के चेहरे का रंग बदला तलब के लैला ने सवाल किया वाली खैरियत तो है मेरा बच्चा कैसा है अली अकबर कैसे हैं हुसैन ने जवाब दिया लैला एक नामी गिरामी पहलवान आया है वो शेरों सेराब है तुम्हारा लाल तीन दिन का भूखा और प्यासा है मैंने अपने नाना से सुना है जाओ जाके अली अकबर की सलामती की दुआ करो लहला खेमे में आई सैदानियों को जमा किया बीवियों को इकट्ठा किया सड़के बालों को खोला दुआ के लिए हाथों को बलंद किया याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले अय हाजरा को इस्माइल से मिलाने वाले मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे अभी दुआ तमाम नहीं हुई कि आगे फिजा ने खबर दी शहजादी मुबारक हो अली अकबर आ गए अब जो माँ दर खेमा पर आई तो अपने बेटे को पहचान न सकी सर से पैर तक खून में नहाए खड़े हुए थे अपने बाप से पानी मांग रहे थे हल तजेदा मिनल माए सबीला हुसैन ने अली अकबर के दहन में अंगूठी रखी कहा जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज अली अकबर के मक्तल को सिधारे कुछ देर में हुसैन के कानों में आवाज आई ए बाबा मेरा आखिरी सलाम हुसैन ने कमर को पकड़ा बेटे के सरहाने पहुंचे अली अकबर जिंदा थे सीने में बरची का फल टूट चुका था खुदा वो वक्त किसी पर ना लाए जो वक्त हुसैन पर आया एक मरतबा हुसैन ने करबला में चारों तरफ नजर दौड़ाई कोई अपना नजर ना आया आसमान को देखा बेटे को देखा अली अकबर की सूरत देखी अली अकबर का सीना देखा अली अकबर के में टूटे हुए तीर को टूटे दे, हुए देदे को देखा अली अकबर की तकलीफ का अंदाजा लगाया सीने से बर्ची का फल निकाला खून का फव्वारा निकला हुसैन ने मुंह पर मुंह रख दिया अरे मेरे लाल तेरे बाद ज़िंदगानी है दुनिया पर खाक है वाली अकबरा